खूबसूरत ये कलाम नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ उस्मान सियालवी नात खां हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने किया इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और एक और रोज़ा अपने अख्ताम की जानेब है। दिन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं और साथ ही ये सिलसिला रमज़ान और खैर रमज़ान भी जारी है। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे, मौसम की सख्ती के साथ साथ स्टिल कोशिश कर रहे हैं सारे रोज़ेदार जो हमारे गिर्द भी और हम खुद भी के सब्र जो तहमल के साथ रोज़े को हम पूरा करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ये तौफीक भी दे। लेकिन उसके साथ साथ इस गर्मी में जब रोज़ पे निकलते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि रोज़ेदार वाकई बड़ी मुश्किल में है। और सब्र तहमल कहीं नहीं है। अगर लाहौर की ख़ास तौर पर हम बात करें तो क्या फ़ायदा ऐसे रोज़े का जिसमें आप गुस्सा लोगों पर निकालें, जिसमें आप सख्त हो जाएँ। रोजा और तेजी और जल्दी की बात है। रोजा तो नरमी का पैगाम देता है ना, अगर रखी लिया है तो निभाएं पूरा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकि इसकी जजा मुकम्मल, जिसका वादा अल्लाह ने किया है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। खैर जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और आज हम जिस हस्ती पाक का जिक्र करेंगे, हम रोजाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कि हम किसी ऐसी हस्ती का जिक्र करें जिनके जिनकी ज़ात से हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिले। और आज जिस ज़ात पाक का तस्करा हम करेंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन हस्ती हैं। आपके इल्म का मरतबा ये है कि 2000 से ज़ायद अहादीस आपसे मरवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद आप ही वो खातून थी, वो शख्सियत थी जो दर्स दिया करती थी और हज के मौके पर जब मक्का मुकर्रमा जाती तो लोग उनसे बातें सीखते और मसाइल का हल जाना करते हैं। बिल्कुल, आज हम अमीरुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़मत और फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, और जो कुछ हम सीख सकेंगे इस नशिस्त के अंदर हम कोशिश करेंगे कि वो भी सीखें। और उसके लिए हम अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं हमारे साथ जी इस टॉपिक के हवाले से खसूसन डिस्कशन के लिए। प्रोफेसर नुरियत फ़ातिमा मौजूद हैं जो कि एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, उसके साथ साथ एक होस्ट भी हैं। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इसके साथ साथ जी आपको पता है पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं हम, और पॉलिटिक्स के लिए आज हमारे पास पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन है और उसके लिए बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। बुशरा से भी डिस्कशन करेंगे और आपको पता है किचन में तो हमारे ऐसे कैसे हो सकते हैं कि आमना कुछ बना ना रही हो, तो आमना लियास हमारे साथ किचन से भी ज्वाइन करेंगे। आमना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, वैसी की वैसी। आमना क्या बना रही है, मेन्यू बता दें आज? वीकेंड है तो मेन्यू भी थोड़ा सा स्पेशल है हमारा। आज हम लोग चिकन स्टेक बना रहे हैं विद ब्लैक पेपर सॉस, मैश पोटेटोज, पूरा एक आपका प्लेटर होगा एंड देन साथ में मफिन्स भी बेक हो रहे हैं। मैंने मफिन्स की तैयारी शुरू कर दी है। ड्रिंक में हम लोग ट्रॉपिकल मॉकटेल बना रहे हैं आज। ओके वेरी। ये आमना आज हमें उन अच्छे वक्तों की याद दिलाएंगी जब रुपए की वैल्यू ज्यादा होती थी और हम रेस्टोरेंट्स में जाके स्टेक्स खाया करते थे, एक वक्त ऐसा था। और आने वाले बच्चों को तो हम बताएंगे, अपने बच्चों को तो हम बताएंगे कि बेटा स्टेक्स भी होते थे जो हम खाते थे। अब हम इसलिए उनको इतना महंगा हो जाएगा, लाख रुपए का नोट आ जाने जैसी सूरत आ रही है। क्विकली ये जो आमना मिक्स करिए जरूर जा लेते हैं, आमना क्या है ये? और ये मैंने एग्स, वन एग है और ये 1/3 कप शुगर है, इसको मैं बीट कर रही हूँ। आप देखिए जस्ट मैं हैंड ब्लेंड ही कर रही हूँ, ये काफी फ्लफी हो गया। इसको मिक्स करके देन इसके अंदर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको मैं बाय द टाइम बेकिंग के लिए रख दूंगी। ठीक है। और जो स्टेक है उसकी मैरिनेशन और वो सारी चीजें भी चलती रहेंगे, हमारे कैमरामैन ये साथ साथ सब कुछ दिखाते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आमना से बीच में इंटरेक्ट करें।